अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे मुताबिक। मैं हूं आयशा खालिद और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, आज प्रोग्राम के आगाज में मैं आपकी तरफ कोई सवाल नहीं रख रही, बल्कि आपने जो सवाल हमारे व्यूअर्स के सामने रखा था उसका रिस्पांस आपको बताना चाहूंगी, जो कि रिमार्केबली आप समझ लें कि एक ऐसा रिस्पांस है जिसको मैनेज करना हमारे लिए इतना मुश्किल हो गया है। आप सोच नहीं सकते इतनी बड़ी तादाद में ईमेल्स आई हैं 20 से ज्यादा ममालिक से, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, भारत, कुवैत, यूएई, जापान, जर्मनी, मलेशिया, अब आप इसराइल भूल लो, ये तुम बिल्कुल इसराइल से भी बिल्कुल इसराइल, स्पेन, आप मुझे बताइए कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अल्लाह पाक का बहुत ही एहसान और करम है कि ये जिंदगी की निशानी है। ये जो सादा सा सवाल था कि 1.5 अरब के करीब मुसलमान, बिल्कुल ठीक है, हर चीज मौजूद है, लेकिन रांदा दरगाह दुनिया में हैसियत कोई नहीं, तो ये बड़ा बुनियादी सवाल है किसी भी मुसलमान के लिए। और इसका इस टाइप का इतना जबरदस्त रिस्पांस जो है ग्लोबल लेवल पे, ये बात इंडिकेट करता है कि ये बहुत से लोगों को ये सवाल जो है ये परेशान कर रहा है। खूबसूरती ये है कि मुझे वो मान साहब ने बताया था, वो फोन पे मुझे ब्रीफ करते रहे कि जो लेवल है जवाबों का वो बहुत हौसला अफजा है, वरना ये एक बहुत ही घटिया सी दौले शाह के चूहा टाइप थिंकिंग होती है, एक माइंड सेट कि हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, अगयार और कुफार साजिश कर रहे हैं, बोगस बात है। ठीक, वो आपके फूफी का पुत्र तो नहीं है, मतलब वो आपके हरीफ हैं, बस सगे भाइयों में कंपटीशन होता है। ऐसा ही है, तो मैं आपको बताऊं कि अभी तक हम सिर्फ 4 दिन की ईमेल्स पढ़ सके हैं, इतनी ज्यादा ईमेल्स हैं कि हमारी टीम के लिए भी उनको सबको रीड करना है। ये बहुत इंकरेजिंग बात है, मैं इतना खुश हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आपको एक परसेंटेज जो हमने ड्रॉ की है वो सुनाना चाहूंगी, जो रीजंस लोगों ने दी हैं कि इस्लामी तालीमात से दूरी 42% लोगों का कहना, यानी मुसलमानों के पीछे रह जाने की, 1.5 अरब तकरीबन होने के बावजूद जी, अगर ये रुसवाई और पसपाई इनका मुकद्दर है तो उसकी वजूहात को आपने बिल्कुल ड्रॉ की है, एक परसेंटेज ड्रॉ की है कि 42% का कहना है कि इस्लामी तालीमात से दूरी, 22% का ये मानना है कि जाती मफादात को तरजीह देते हैं मुसलमान हुक्मरान, हाँ जी मुसलमान हुक्मरान, और 15% का कहना है कि लीडरशिप की कमी है, 12% ये मानते हैं कि तालीम और तहकीक में कमी है, जबकि 9% का कहना है कि अदम मसावात की बुनियाद पर भी ऐसा होता है। डिसिप्लिन भी एक रीजन है जिसपे, उसके बाद करप्शन जो है, सत्यानाश हुआ, ये उन मजहबी रहनुमाओं की नाकामी है जो समझाने में बताने में मुसलमानों को कामयाब नहीं रहे, ये भी है मजहबी रहनुमा, ठीक है, क्योंकि ये जो आपके पास है उसकी एक कॉपी मेरे पास, देखें बात सुने। इसमें मैं अपने तमाम दुनिया में जो हमारे दोस्त हैं, बहन भाई हैं, हमारे साथी हैं, उनकी खिदमत में मैं एक बात अर्ज करना चाह रहा हूं, वो ये है कि बुनियादी तौर पे ये जो 5, 6, 7 किस्म के हैं जवाब के, ये वजह है, ये वजह है, ये वजह है, वजह एक ही है, वो है इस्लामी तालीमात से दूरी। मैं इसको डायसेक्ट करूंगा, अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा इसे। मुसलमानों का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि इन्होंने इबादात को ही इस्लामी तालीमात समझ लिया है। मसलन नमाज के बारे में जो जय्यद उलमा है उनका कहना यह है कि नमाज असल में मस्जिद के बाहर शुरू होती है, मस्जिद के बाहर, हाँ, जब आप वो सब कुछ प्रैक्टिस करते हो, जब उसको अमल में लाते हो, ये बाकी जो काम है ना वो असल इम्तिहान तो जब बाहर आए हो, जब आपस में मिलना है, बंदे का बंदे से, बंदे का हुकूमत से, बंदे का माशरे के साथ वो जो इंटरेक्ट करता है, इंटरफेस करता है, वो उसमें तो नामोनिशानी कोई नहीं। हमने नमाज, रोजा, हज, ज़कात, दीन तो मुकम्मल पैकेज है, दीन कामिल कहते हैं इसलिए। अच्छा, अब ये इन्होंने आया कि जी मुसलमान हुक्मरानों में जाती मफादात की तरजीह का रुझान है, ऐसा ही। अच्छा, जो इस्लामी तालीमात से वाकिफ होगा वो इस तरह के हुक्मरानों की धज्जियां उड़ा के रख देगा। अगर वोट से वो उसने लाना है तो वो कभी सब स्टैंडर्ड आदमी को नहीं लेके आएगा, चाहे वो उसका बाप ही क्यों ना हो, सही, ठीक है। अगर वो गासिब हुक्मरान है, लोग अपनी गर्दनें कटवा देंगे, उनको उठा के बाहर फेंक देंगे, ठीक। आए लीडरशिप की कमी, मेरा थीसिस बिल्कुल उलट है, हमारे पास जिंदा कयादत आका की मौजूद है, ठीक, मुसलमान को किसी लीडर की जरूरत है ही नहीं, हमारे लिए ये डे टू डे मामला देखने वाले मैनेजर से ज्यादा
मेरे नजदीक कोई अहमियत नहीं है। सही। वो एक रोल मॉडल, वो एक जिंदा शख्सियत थी। बिल्कुल। अच्छा, लीडरशिप। और फिर अगर आप दुनियावी, ये जो रूटीन की लीडरशिप है वो भी इंतखाब मैं और आप करते हैं ना। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर वो जबरदस्ती आके मुसल्लत हो गया तो उसको बर्दाश्त भी मैं और आप कर रहे हैं, तो कसूरवार कौन हुआ? अच्छा, अब ये है कि तालीम और तहकीक की कमी मुसलमानों की नाकामी की वजह, ओ भाई, ये इसकी तान भी वही टूटती है, इस्लामी तालीमात से दूरी उसकी वजह है कि कुरान पाक में 700 से ज्यादा आयात में तस्खीर कायनात, तहसील कायनात, तफक्कुर, तदब्बर, गौर, फिक्र का ठीक है जिक्र मौजूद है। और ये कौन सा दीन है जो कहता है कि इल्म मोमिन की खोई हुई मीरास है? दीन इस्लाम। ठीक हो गया। अच्छा, इल्म तो सिर्फ ये दीनी उलूम और दुनियावी उलूम में उलूम को तकसीम करने वाला वो मुसलमानों का दुश्मन था। ठीक ठीक है। उसकी वजह है कि हर इल्म दीन का इल्म है। उसकी वजह है कि खालिक एक है। बियॉन्ड ये जितनी भी कोई यूनिवर्स है, आप दुनिया की बात ना करें, ये जितने भी ये सिस्टम्स हैं, ठीक है, अरबों के हिसाब से सारे ये अल्लाह पाक की तख्लीकात हैं सारी। एग्जैक्टली। सो उनके बारे में इल्म का हुसूल तो विद इन, आप दीन बियॉन्ड तो जा ही नहीं सकते ना। Exactly. अल्लाह की। अच्छा ठीक है, ये नहीं। हाँ, मैं ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद हम आपके साथ डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, देखते रहिए प्रोग्राम मेरे मुताबिक। ब्रेक से वापसी पर एक बार फिर से डिस्कशन को आगे बढ़ा दो जी हसन साहब, कहिएगा। अच्छा, एक बात और मैं आपको अर्ज करूं। हाँ, फिर ये आया अदब मुसावात डिसिप्लिन। ओ भाई, नमाज बड़ा जबरदस्त पैकेज है जिनमें एक चीज है कॉन्सेंट्रेशन। मैं पहले भी कह चुका हूं, स्पैन का बढ़ाना, सफाई, पाकीजगी, बाकायदगी, डिसिप्लिन, सफे सीधी, exactly. मामला टेढ़े, नीयतें टेढ़ी, परफॉर्मेंस टेढ़ी, सफे सीधी। वो सफे सीधी एक सिंबॉलिक बात है, यानी कि जैसे एक उसको कोई तकलीफ पहुंचे तो पूरा exactly. जिस्म दर्द में मुबतला होता है। ये है आपस में अच्छा तल्लुक। फिर एक और बात कि इन्होंने बना दिया दीन को सवाब। ये इनकलाब की किताब है और ये बात बहुत दुरुस्त है कि मजहबी रहनुमाओं की ये मुकम्मल नाकामी है कि वो दीन कम्युनिकेट कर ही नहीं सके, वो बता ही नहीं सके। वरना मैं जनरली ये समझता हूं कि अगर 1 अरब 40 करोड़ या 1.5 अरब मुसलमानों में से अगर सिर्फ 5 करोड़ भी जन्म नाप तोल के बंदा हर कसौटी पे पर के गए हाँ ये मुसलमान है, तो क्यामत है, वही काफी है। ठीक है, 1.5 अरब तो बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है साहब, इन जवाब को जो हमें मौसूल हो रहे हैं हम आगे भी चल के डिस्कस करेंगे और टिकट भी इस वक्त चल रहे हैं तमाम जवाब के। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, आपने टैग फोर्स का जिक्र किया प्रोग्राम में और आपने कॉलम भी लिखा, उस हवाले से रिस्पांस भी आया है पीटीआई वर्कर्स का और सपोर्टर्स का। वो कहते हैं कि बहरहाल फंड्स का ऑडिट तो होता है भाई। वो ये जो टैग फोर्स बनी है पीटीआई में, ये उसी ऑडिट को तो चैलेंज कर रही है कि ये जेन्युइन नहीं है, ये घपला है। उन्होंने मुझे तफसीलात नहीं याद, क्योंकि मेरा रोल है एक आप समझ लो जैसे पोस्ट ऑफिस डाकिये का, आपने खत लिखा उसके नाम, मैंने उसके घर जाके दयानदारी से डिलीवर कर दिया। मैं पीटीआई के जो वर्कर है मैं उससे मोहब्बत करता हूं, उसकी इज्जत करता हूं, और इसके बाद मैं ज्यादा इज्जत कर रहा हूं कि वो उसमें इतना हौसला है कि वो खड़ा होकर अपने लीडर को सवाल कर सके, उसके गिरेबान में हाथ डाल सके। वो फोरेंसिक ऑडिट की बात कर रहे हैं, वो ऑडिटर्स का नाम भी है जिनको तंग कर रहे हैं, उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया जा रहा, और ये तफसीलात हैं जो लिखी हुई हैं। मैंने नाम तक अमेरिका के उन लोगों के दिए, पढ़े लिखे लोग हैं बहुत, उनमें बहुत से डॉक्टर्स हैं, उन्होंने करोड़ों डॉलर्स इनको दिए हैं, और अगर हिसाब मांग रहे हैं तो भाई क्या बुरा है उसमें, हिसाब दे दो, एक्सप्लेन कर दो। ठीक। सो रौला ये नहीं है जो पीटीआई के वर्कर ने लिखा है कि जी ऑडिट होता है, बिल्कुल होता है। असल बात यह है कि ऑडिट को ही तो वो चैलेंज कर रहे हैं, वो किसी और लेवल का, किसी और तरह का ऑडिट वो मांग रहे हैं। और वो इमरान खान ने तो इस पर काफी बरहमी का इजहार भी किया है। वो बरहमी तो चलती रहती है ना भाई, वो पता नहीं किस मूड में होगा या बात करने वाले ने, बाजुकत ऐसा होता है कि आप बात ठीक कर रहे होते हो, आपका ढंग, आपका तरीका ठीक नहीं होता,
तो पता नहीं, आई डोंट नो, मैं तो वहां नहीं था, मुझे नहीं पता। मैंने भी वो टिकर्स ही देखे हैं या इधर उधर से सुना है कि लॉस्ट टेम्पर और पता नहीं क्या हुआ, ये वो मुझे नहीं पता तफसीलात। साहब अगला सवाल एक्चुअली सवाल नहीं है, आप समझ लें कि मेरी तरफ से हल्की सी शरारत है। अच्छा, एक बात, मैं फिर वापस मुझे जाने दो। पीटीआई के वर्कर को पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों के वर्कर से ज्यादा बावकार बासूल होना चाहिए। अगर हजरत उमर बिन खत्ताब के सामने खड़ा होके एक आम बद्दू ये जुरत कर सकता है कि तुम्हारा ये कुर्ता कहां से आया, क्योंकि जितना कपड़ा आपको मिला था उसमें आप जैसे कदावर आदमी का कुर्ता नहीं बन सकता। सही। तो ये जो रिवायत है ना हमारे, ये चमचागिरी की, चमचे कच्चे मुजारे कमी लीडरशिप के सामने, ये रिवायत खत्म। जब हम पहले बात कर रहे थे ना कि ये इस्लामी तालीमात से दूरी, ठीक, फटकार नहीं होगी तो क्या होगी, ये इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक है। चैलेंज करो तो मैं, शक है ना, पूछो। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना वर्कर का काम है। लीडरशिप मुंह उठा के कह देते हैं लीडर करप्ट है, और लीडरशिप जिन लोगों ने घेरा हुआ है जी वो करप्ट है। वो तुम्हारे होते हुए कैसे करप्ट हो सकते हैं, सीधा कर दो उनको। ठीक है हसन साहब, इस बारे में हमने आपका जवाब तो यकीनन पीटीआई के वर्कर्स तक भी पहुंच गया होगा। अगला सवाल जो मेरी तरफ से एक हल्की सी शरारत है ना, वो आपके सामने रखूंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापसी पे हसन साहब बताएगा, ताल कासमी साहब ने जिक्र किया आपकी और दीगर सीनियर साहबियों समेत मियां नवाज शरीफ से जो मुलाकात हुई है, बताएगा कैसी रही मुलाकात आपके साथ। पहली बात ये, मुझे सीनियर के लफ्ज से इतनी चेड़ा है भाई, अगर आप जवानी में नहीं मर गए तो सीनियर, पड़े पड़े बंदा सीनियर हो जाता है, ये सीनियर तक दिया था। असल बात, उस लौंडे लपाटे की उम्र नहीं होती इतनी, तो सीनियर फलाना सीनियर वीनियर नहीं, हम लुकमा अजल नहीं बने टाइम पे, जरा थोड़ा लटक गए तो सीनियर हो गए। अच्छा, मुलाकात अच्छी थी। मेरा चूंकि अता के साथ तल्लुक इस तरह का है, इनविटेशन चूंकि उनकी तरफ से थी तो अच्छी थी। मोस्टली गुफ्तगु चूंकि ऑफ द रिकॉर्ड थी, जाहिर है मैं तो ठीक बातों का हवाला तो नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी कोई तो बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। नवाज शरीफ साहब ने आपसे कोई बात नहीं, वो तो बिल्कुल एक लाइट मूड में, मैं मुतवज्जो नहीं था, सच्ची बात है, मेरा ध्यान कहीं और था। तो उन्होंने कहा कि शरारतन, खूबसूरत लगा मुझे जेस्चर उनका, हालांकि जो मैं जितना सख्ती से लिखता हूं ये बोलता हूं उसके बाद इतना खुशगवार होना, मैं खूबसूरत बात लगी। तो उन्होंने बात की, मैंने सुनी नहीं, मुझे लोगों ने कहा कि मियां साहब आपसे बात करें, मैंने कहा जी मुझसे आप बात करें, हाँ। तो मुझे कहते हैं कि आप टीवी पे और कॉलमों में तो हमारी बड़ी रहनुमाई, शरारतन रहनुमाई है, थोड़ा सा तंज थोड़ी शरारत करते रहते हैं, तो यहां भी कुछ। तो मैंने कहा यहां बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं इनको सुनना चाहूंगा बजाय इसके। उन्होंने शरारतन कहा तो आपने शरारतन नहीं, मैं शरारतन लगा था कहने की, मियां साहब जैसी आपकी हरकतें हैं, आपको अगर इंग्लैंड का वजीर आजम भी बना देना तो आप वहां भी माशाल्लाह लगवा देंगे। अभी छोड़े अब मुशर्रफ वगैरह को, सिलसिला खत्म करें, आगे चलें। बहुत उनका तो बहुत ज्यादा कामों का बोझ है, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। बेशक बेशक बेशक, मतलब नाकाम और कामयाब और कह लीजिए कि शिकस्त खोर्दा और फाते में क्या फर्क होता है, क्या है? देखो, वही जो अमीर तैमूर और यलदरम में था, बहुत ओवर सेंसिटिव होता है जो मफतू होता है। यलदरम बन ही वॉज डिफीटेड, उसने जिंदगी में शिकस्त नहीं खाई थी, अमीर तैमूर ने वहां जाके उसको शिकस्त दी, और जब वो उसके सामने आया तो अमीर तैमूर मुस्कुराया तो उसने उसको ना डांट दिया, मफतू ने। उसने कहा अगर अल्लाह ने तेरी सुन ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू तंजिया हंस। तो अमीर तैमूर ने उसे कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल ये ऐसी बात नहीं है, मैं तंजिया नहीं हंसा, मैं ये सोच के अल्लाह पाक के फैसले पे ना मैं मुस्कुरा दिया कि उसको दुनिया पूरी दुनिया दो हिस्सों में तकसीम कर दी उसने, और एक के कब्जे में जो दी वो लंगड़ा है और दूसरा काना है। यलदरम की एक आंख नहीं थी। अच्छा, ठीक, फर्क क्या होता है? वो जो इब्राहिम लोदी की मां और जहीरुद्दीन बाबर में था, उसने बाबर को, उसने उसको मां का दर्जा दिया, इब्राहिम लोदी की मां को, इब्राहिम लोदी के कत्ल के बाद मैदान जंग में तो सब चलता है ना, तो उसने जिसने एहतराम दिया था उसने उसी को
زہر دینے کی کوشش کی بابر کو، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور بات ہے کہ مفتو ہمیشہ اپنے فاتح سے نفرت کرتا ہے، یہ جو شکست خوردہ قومیں ہوتی ہیں نا، یہ دوسروں پہ بلیم ڈالتی ہیں، وہاں عیب نکالتی ہیں، ان میں کیڑے ڈالتی ہیں، ان میں کیڑے ڈھونڈتی ہیں، یہ بنیادی گیٹ ہوتا ہے، ہاں اپنا احساس شکست جو ہے نا، ہارا ہوا آدمی وہ جیتے ہوئے آدمی سے نفرت کرتا ہے خاص طرح کی. اور ایک اور بات ہے کہ فاتحین کی نظریں ہوتی ہیں مستقبل پہ، مفتو ماضی کا قیدی ہوتا ہے. صحیح. اینڈ دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس، یہ رویے مختلف. کامیاب ہوتا ہے جو کام کرتا ہے، ناکام وہ ہوتا ہے جو کام نہیں کرتا. نہیں کرتا، ٹھیک ہے. تو ایک اور بات کرتے ہیں کہ جو جنگیں جو ہیں وہ ہتھیار سے نہیں، بیسیکلی کردار سے جیتی جاتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور فاتح جو ہوتا ہے ڈیفینیٹلی وہ سپیریئر ہی ہوتا ہے، تو فاتح ہوتا ہے. یہ پوری انسان کی تاریخ ہے. جو پیادہ تھے، بہت عمدہ جنگجو تھے، ان پہ غالب کون آئے؟ جنہوں نے پہلی دفعہ گھوڑے کو جنگی مشین کے طور پہ استعمال کیا. پھر ان پہ کون غالب آئے؟ جنہوں نے گھوڑے کی منوورابلٹی میں اضافہ کر لیا، لگام ڈال کے اور کاٹھی ڈال کے. صحیح صحیح. اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ آٹومن امپائر کا جو دنیا میں حکومت تھی وہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے تھے. اب مختصر جواب چاہوں گی. شریعت کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں، یقیناً جو بیانات سامنے آ رہے ہیں آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے، آپ نے کالم میں بھی اس بارے میں بات کی ہے، کچھ آن اسکرین بھی بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ شریعت کا نفاذ آئین کی صورت میں ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ تو بات کی ہے انہوں نے، لیاقت بلوچ صاحب نے بالکل درست بات کی ہے، بہت ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے. اس کے علاوہ ادھر ادھر ٹامک پہیاں مارنی ہے، اپنا بھی ٹائم ضائع کریں، قوم کا بھی ٹائم ضائع کریں، تو آپ کی مرضی ہے، ادر وائز تو سیدھی سادھی سی بات ہے. اور آپ نے جبر کا بھی آپ نے کہا کہ یہ نہیں، ایک اور بات، ایک اور بات، یہ کوئی یہ مارشل لا نافذ ہوتا ہے، دفعہ 144 نافذ ہوتی ہے. شریعت نافذ کی جانے والی چیز نہیں ہے، یہ اندر سے، یہ نہیں ہے کہ درخت آپ نے الٹا گھسیڑ دیا. یہ دل کی جو دھرتی ہے اس کے اوپر محبت کا اور ذاتی مثال کا پانی اور بیج ڈالو گے تو وہ درخت آقا نے ٹرین کیا ہے. یہ کوئی سوئچ آن آف نہیں ہے کہ آپ نے یوں بتی کی تو وہ روشنی آ گئی اور یوں کی تو اندھیرا ہو گیا. شریعت اس طرح کی چیز نہیں ہے. یہ ایک بہت صبر آزما، بہت طویل اور بہت تسلسل کے ساتھ کیا جانے والا پروسیس ہے. ٹھیک ہے. یہ جو کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے، یہ کوئی بلڈنگ بنانا نہیں ہے. اب سمجھ گئے؟ تاج محل تو ایکس نمبر آف ایئرس میں بن سکتا ہے. انسان کی تعمیر سب سے مشکل کام ہے، یہ کسی ڈیم سے یا کوئی نیوکلیئر ویپن بنانے سے کروڑ گنا زیادہ مشکل کام ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ناظرین آپ سے چاہیں گے اجازت، فیڈ بیک سے ضرور اپڈیٹ کرتے رہیے MMHJ.TV پر. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.